वेलकम टू माय चैनल सुमित सर हर्षित एकेडमी। आज के वीडियो में हम डिटरमिनेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बेसिक क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। तो आइए देखते हैं व्हाट इज डिटरमिनेंट। तो मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसमें आप देखो कि डिटरमिनेंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिटरमिनेंट में ऐसे वर्टिकल दो लाइंस आपको दिखेगी। अगर वर्टिकल लाइन दिखती है और उसके बीच में एलिमेंट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी, या तो इस तरह का भी एलिमेंट हो सकता है कि तीन एलिमेंट्स दिखे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस टाइप के भी एलिमेंट्स आपको दिख सकते हैं। तो इसे हम दोनों को बोलेंगे डिटरमिनेंट, राइट। और जो ये है इसे हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट। और जो ये है इसे हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट और थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट, राइट। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन में लिख रहा हूं उसे हम बोलेंगे फर्स्ट रो, जो सेकंड लिखा है उसे हम बोलेंगे सेकंड रो। आर का मतलब है यहां पे रो, राइट। फर्स्ट रो सेकंड रो, ये बनेगा फर्स्ट कॉलम, ये बनेगा सेकंड कॉलम। C means कॉलम, ठीक है। मैट्रिक्स जैसा ही है, मैट्रिक्स में भी सेम कॉन्सेप्ट है। मैट्रिक्स के वीडियोस भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये जो होता है हॉरिजॉन्टल दैट विल बी रो, वर्टिकल होगा दैट विल बी कॉलम। सेम यहाँ पे भी ऐसा कि जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे हम रो बोलेंगे, वर्टिकल होगा उसे हम कॉलम बोलेंगे, ठीक। बट एक चीज इसमें आप ध्यान देना कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या फर्क आता है। डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम विल बी सेम इन वन डिटरमिनेंट। जैसे ये डिटरमिनेंट है जिसमें अगर थ्री रोज है तो थ्री कॉलम्स ही होगी। ऑलवेज द नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम विल रिमेन सेम। इसमें सेकंड ऑर्डर में अगर दो रोज है तो दो कॉलम ही होगी। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, बट इसमें रोज और कॉलम्स एक मैट्रिक्स के अंदर, सिंगल मैट्रिक्स के अंदर सेम होते हैं। तो सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट में मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसमें टू रोज होंगे एंड टू कॉलम्स, और इसमें थ्री रोज होंगे एंड थ्री कॉलम्स होंगे, राइट। इस तरह से। और डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन कैसे करना है तो उसके लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट का एग्जांपल एक लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सेकंड ऑर्डर के एग्जाम्पल पहले लेते हैं। उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया 4, 5, 1, -1, ये एग्जाम्पल है। अब इसे सॉल्व किसे कैसे करना है तो आपको ये डायरेक्शन याद रखनी है कि इसमें हम डिटरमिनेंट्स में पहले ऐसे जाते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, फिर ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे और फिर ऐसे जाएंगे। इस तरह से आपको मूव करना है और उसके हिसाब से आप देखो, मैं पहले डैश लाइन में वैसा शेप बनाता हूं।
आई थिंक आपको समझ आया कि ये जो शेप मैंने यहां पे बनाया उसके हिसाब से आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसे होगा? 4 × −1, क्योंकि पहले हम क्या करते हैं यहां से यहां जाते हैं, तो उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 4 × −1 एक ब्रैकेट में लिख दिया, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है? तो 4 × −1 तो लिख दिया, अब 1 × 5 लिखना है, यानी कि हम ये डायरेक्शन में भी जाएंगे। 1 × 5 लिखना है और दो ब्रैकेट के बीच में आपको हमेशा माइनस करना है, राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 4 − 1 = −4, ये हो जाएगा 5, सो −4 − 5 विल बी −9। ये आपका आंसर। तो सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को एक बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया है, 1 मार्क में ऐसा आ सकता है, ठीक है? और एक दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस इससे लेते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और डिटर्मिनेंट है 3x 9 2 6 = 0, राइट? ये आपको दिया है। तो इस केस में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, पर हमारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी डायरेक्शन में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से होगा? इक्वल टू है इसलिए यहां पे इक्वल टू नहीं लिखा, देयरफॉर लिखा, ठीक? तो 3x × 6, क्योंकि आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, तो 3x × 6, तो एक ब्रैकेट बनाया उसमें लिखा 3x × 6, दूसरा ब्रैकेट बनाया उसमें मैं क्या लिखूंगा? 2 × 9, क्योंकि आपको भी ऐसे डायरेक्शन में जाना है, इक्वल टू 0 और दो ब्रैकेट्स के बीच में हमेशा माइनस। इसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे, 6 × 3 = 18, 9 × 2 = 18 इक्वल्स टू 0, −18 को हम राइट साइड भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 18x = 18, क्योंकि राइट साइड जाएगा तो माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट होगा। फिर ये 18 को हम इसके डिवाइड में लिखेंगे, क्यों डिवाइड करते हैं? 18x के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो मल्टीप्लीकेशन में जब होता है तो उसको डिवाइड करना होता है, कब? जब इक्वल के वो साइड जाता है तब। इसका मतलब ये कि यहाँ पे x हो जाएगा 18/18, तो यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 1। कैसे? 18 18 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसल होता है तो आंसर 1 आता है, ऊपर ऊपर कैंसल होगा तो आंसर 0 आएगा, नीचे नीचे कैंसल होगा तो भी आंसर 0 आएगा। ये चीजें याद रखनी है मैथ्स में। सो इस तरह से भी हम सेकंड ऑर्डर के एग्जांपल्स सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी एग्जांपल 1 मार्क का ही है, बेसिक एग्जाम्पल है। जनरली देखा गया है कि 2 × 2 के, यानी कि सेकेंड ऑर्डर के आपको 1 मार्क्स में ज्यादा पूछते हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग देखते हैं, उसका भी एक बेसिक सम देखेंगे जो आपको 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व। सो डिटर्मिनेंट दिया है आपको −1 −3 2
थ्री माइनस टू वन माइनस फाइव फोर फाइव, इस तरह का आपको डिटर्मिनेंट दिया है। अब इसमें x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, यानी जो फर्स्ट नंबर पे हमने क्वेश्चन देखा था कि जिसमें इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते थे, वो इसमें अप्लाई नहीं होगा, इसका सिस्टम पूरा अलग है, क्योंकि ये कौन सा है, थर्ड ऑर्डर का एग्जांपल है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, इसके लिए आपको इस टाइप का सिस्टम याद रखना होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्यों ऐसा लिखा, तो देखो इसमें भी थ्री रोज है, थ्री कॉलम्स है, नहीं नाइन एलिमेंट्स है, इसमें भी नाइन साइंस है, आप देखोगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो हर एक के लिए एक एक साइन है, ऐसा बुक में लिखते हैं, पर हमें इतनी जरूरत नहीं है इसका सॉल्यूशन करने के लिए। हम तो सिर्फ क्या करते हैं, मोस्टली ये पहली तीन साइंस को ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से कैसा, इस फॉर्मूला में थोड़ा सा अनक्लियर रहता है, मेरे हिसाब से फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, डज नॉट चेंज, मैं ऐसा फॉर्मूला बनाता हूं, डज नॉट चेंज चेंज डज नॉट चेंज फिर चेंज डज नॉट चेंज चेंज डज नॉट चेंज चेंज डज नॉट चेंज। तो ये फॉर्मूला में प्रॉब्लम होता है बच्चों को समझने में, ये फॉर्मूला आप याद रखना, डज नॉट चेंज डीएनसी यानी डज नॉट चेंज, और C का मतलब होता है चेंज। अब ये चेंज ने डज नॉट चेंज है क्या, इट इज द चेंज ऑफ साइन, कि यहां पे जो साइन दिए है उसको चेंज करना है कि नहीं करना है, ठीक है। इसमें अगर इसके हिसाब से समझोगे थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है, इसके हिसाब से समझो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप देखो कि इसमें फर्स्ट एलिमेंट जो है वो माइनस वन है, तो इसमें डीएनसी लिखा है डज नॉट चेंज यानी साइन विल नॉट चेंज, इसका मतलब ये कि इसको हम जब तीन अलग अलग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि थ्री थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट है, तो उसको तीन छोटे छोटे डिटर्मिनेंट में आपको कन्वर्ट करना होता है, और ये छोटे छोटे डिटर्मिनेंट्स कौन से ऑर्डर के आते हैं, सेकंड ऑर्डर के, राइट। देखो कैसे करना है इसको, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले यहां लिखना है, बट इसमें साइन चेंज करना है कि नहीं वो इस पे इसमें से आपको स्टडी करना है। यहां पे डीएनसी लिखा है मतलब इसका साइन विल नॉट चेंज, राइट ओके। यहां पे माइनस थ्री है, तो माइनस थ्री का यानी सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट में क्या लिखा है सी यानी कि चेंज, तो इसका साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा प्लस थ्री, ठीक है। इसमें भी लिखेंगे, अभी इसमें लिखेंगे हम लोग, पर वो अभी मैं नहीं समझा रहा क्योंकि मेरा मुझे ऐसा, मैं चाहता हूं कि आपको पहले ये क्लियर हो जाए साइन चेंज करना है कि नहीं करना है। अब ये आप देखो थर्ड एलिमेंट तो प्लस में है, पॉजिटिव में है, यहां पे डज नॉट चेंज का मतलब साइन विल नॉट चेंज, तो वो प्लस टू है तो प्लस टू ही यहां पे रहेगा, क्लियर। तो ये साइन चेंज होगा नहीं होगा वो इससे आपको थोड़ा अनक्लियर रहता है, पर आपको वो समझ आए तो भी ठीक है, तो मैं वो नहीं प्रेफर करता, मैं ये प्रेफर करता हूं हमेशा, क्योंकि आपका सॉल्यूशन 100% करेक्ट होना चाहिए विदाउट एनी कंफ्यूजन। चलो ये हमने लिख दिया, अब क्या करना है, तभी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान से समझना किस तरह से थर्ड ऑर्डर को सेकंड ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखना,
माइनस वन जो है फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट माइनस वन, उस माइनस वन के कॉलम को छुपा देना है और उसी माइनस वन के रो को भी छुपा देना है। तो क्या बचेगा वो यहां पे लिखना है, ठीक है। तो देखो माइनस टू वन बचता है, फोर फाइव बचता है, तो वही हम यहां लिखेंगे, माइनस टू वन फोर फाइव, क्लियर। और फिर से समझो, देखो अब ये माइनस थ्री का साइन तो हमने चेंज कर दिया क्योंकि यहां पे सी लिखा है चेंज, इसलिए अब ये माइनस थ्री का आपको रो छुपाना है और माइनस थ्री का कॉलम छुपाना है। तो कैसा बनेगा, माइनस थ्री का हमने रो छुपा दिया, माइनस थ्री का हम ऐसे कर, माइनस थ्री का रो छुपा दूंगा, माइनस थ्री का कॉलम छुपा दिया, तो क्या बचेगा, थ्री वन माइनस फाइव फाइव, ठीक है, थ्री वन माइनस फाइव फाइव। तो वो मैं यहां पे लिखता हूं, थ्री वन माइनस फाइव फाइव, क्लियर। उसके बाद ये टू है, तो ये जो टू दिखता है आपको, उसका आपको रो छुपाना है और कॉलम छुपाना है, तो क्या बनेगा, थ्री माइनस टू माइनस फाइव फोर, तो थ्री माइनस टू माइनस फाइव फोर, क्लियर, दैट्स इट। यानी थ्री थर्ड ऑर्डर को सेकंड 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 में ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, पर अभी आंसर नहीं आया। अभी आंसर के लिए वही मेथड यूज करना है जो सेकंड ऑर्डर में हमने सीखा है। कैसा, इस टाइप से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो ये माइनस वन लिखा है, तो माइनस वन लिख दिया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस टू इंटू फाइव होगा, पहले ऐसा मल्टीप्लाई होता है फिर ऐसा होता है ना, तो माइनस टू इंटू फाइव माइनस फोर इंटू वन, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, यहां पे आते हैं, थ्री इंटू फाइव माइनस माइनस फाइव इंटू वन, क्लियर, प्लस टू, थ्री इंटू फोर माइनस माइनस फाइव इंटू माइनस टू, क्लियर। एक एक स्टेप समझना होता है मेरे वीडियोस में, कोई फॉरवर्ड मत करना ना उसकी स्पीड बढ़ा देना ताकि जल्दी जल्दी समझ जाऊं, ऐसा मत करो। जल्दी जल्दी समझोगे तो कितना टाइम सेव होगा, एक मिनट या दो मिनट, और उसमें जो फंडामेंटल्स जो मैं आपको समझाता हूं, जो जो आपको गाइडेंस देता हूं वो आपको नहीं मिलेगा। तो अगर दूसरे आपको वीडियोस और दूसरे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक, इसलिए ध्यान से स्लो स्पीड में शांति से वीडियोस देखो। चलो इतना हमने कर दिया, अब पहले ये ब्रैकेट को, स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे। तो माइनस टू इंटू फाइव माइनस टेन, फोर इंटू वन फाइव, थ्री जा फिफ्टीन, प्लस क्यों किया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फाइव वन जा फाइव, प्लस टू, थ्री फोर जा ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस, पर वो प्लस माइनस के साथ जाएगा तो माइनस आएगा, फाइव टू जा टेन, तो इसका आंसर आएगा माइनस फोर्टीन, माइनस फोर्टीन माइनस वन के साथ जाएगा तो फोर्टीन, ट्वेंटी प्लस थ्री ट्वेंटी इंटू थ्री सिक्सटी, ट्वेल्व माइनस टेन टू, टू इंटू टू 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 जा
फोर। तो आपका आंसर क्या आएगा 18 यानी कि 78। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं। बुक में ये देते हैं साइंस मत फॉलो करो, ये फॉलो करो, राइट। तो इसमें आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये फर्स्ट डीएनसी सी डीएनसी यूज किया तो ये बाकी का क्यों लिखा, तो उसका रीजन ये है कि जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट रो को ही यहां लिखो, ठीक है। तो बाकी के साथ तो नाइन साफ ही हो गई, तो बाकी सब क्यों। तो इसका मतलब ये कि आप है ना सेकंड रो को भी यहां लिख सकते हैं। यहाँ पे सेकंड रो का ये 3 लिख दो, यहाँ पे माइनस 2 करके प्लस ये माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस 2 रहेगा और ये माइनस 1 होगा, ऐसा कर सकते हैं। तो एलिमेंट भी चेंज होंगे। एक खाली आपको सिंपल बताता हूँ, बाकी आप इसी तरह से करोगे तो आ जाएगा आंसर। एक आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आपने सपोज ये यूज करना स्टार्ट किया 3 वाला, तो उसको माइनस 3 लिखना पड़ेगा, क्यों, सी है ना चेंज, यानी माइनस 3 लिख के आपको फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, सॉरी डिटरमिनेंट में क्या लिखना है। तो माइनस 3 जब लिखोगे तो ये माइनस 3 में जो रो आता है उसको और कॉलम को छुपाना है, तो आप इसको छुपा लेंगे रो को, सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को छुपाएंगे। तो माइनस 3 2 4 5 जो आपका आंसर आएगा वो आपका फिर इसमें आप लिख सकते हैं। इस तरह से दूसरे भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि आप माइनस 2 यहां लिख के फिर वो माइनस 2 में जो रो और कॉलम आते हैं उसको छुपा दो, ये 1 लिख दो और माइनस 1 लिख दो, रो और कॉलम छुपा दो, ऐसे इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व होता है, राइट। आशा रखता हूं पसंद आ रहे हैं वीडियोस, और भी वीडियोस बना रहा हूं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा वीडियोस में और कौन से क्वेश्चंस का मैं वीडियोस बनाऊं, राइट। आपके लाइक्स और शेयरिंग और कमेंट से सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मुझे मिलता है और अच्छे वीडियोस में बनाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्कोर हाई।